हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद सोल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, तो फ्रेंड जब भी हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हमारे माइंड में एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में। और अगर न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट आपको पता है, न्यूट्रलाइजेशन में हमने देखा है कि अगर एसिड रिएक्ट होता है एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ में, तब वहाँ पर प्रोड्यूस होता है सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब भी ये रिएक्शन होती है वहाँ पे लॉट ऑफ अमाउंट हीट जनरेट होती है, सो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है ऑप्शंस। तो हमें बताया गया था कि एसिड और बेस रिएक्ट हो रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस, ओके, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यस। सेकेंड, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस, नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स द सेम, नहीं, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम नहीं होगा, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो टेम्परेचर विल इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 4, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो हाँ यस, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इन विच सॉल्ट इज फॉर्म, तो स्टेटमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है ओनली 1, नहीं। ऑप्शन बी में 1 एंड 3, नहीं। ऑप्शन सी में 2 एंड 3, नहीं। ऑप्शन डी में दिया गया है स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 4, यस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एन एक्वियस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। तो हमें पूछा गया एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। ओके, तो सपोज फ्रेंड दिस इज अ टेस्ट ट्यूब और उसमें एक एक्वियस सोल्यूशन है, हमें पता नहीं है वो सोल्यूशन क्या है। इसमें अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर अगर डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस अगर हम लोग इसमें एक्सेस ऐड करते हैं तो ये चेंज जो है कलर चेंज वो रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का लॉजिक। सबसे पहले जो गिवन सॉल्यूशन है उसमें रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है, टर्न हो रहा है, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि वो जो सॉल्यूशन है इट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन। यस, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होते हैं। और जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तब क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कलर चेंज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इस कंडीशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो रहा है, यानी कि ये सॉल्यूशन बेसिक है। तो गिवन सॉल्यूशन तो बेसिक है। अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि इसमें से अगर कौन सा सब्सटेंस हम लोग उसमें ऐड करते हैं तो ये कलर डिफरेंट, यानी कि रिवर्स चेंज हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो रिवर्स चेंज कब दिखाई देगा, जब ये सॉल्यूशन बेसिक से एसिडिक हो जाएगा तभी हमें रिवर्स कलर चेंज यहाँ पे दिखाई देगा। तो बेसिक को एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें एसिडिक सब्सटेंस ऐड करना होगा, यानी कि गिवन 4 ऑप्शन में से जो भी एसिडिक होगा वो हम लोग अगर इसमें ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन हमें रिवर्स कलर चेंज दे सकता है या फिर देगा। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शंस दिया गया है हमें बेकिंग पाउडर, सो बेकिंग पाउडर इज़ द बेसिक सॉल्यूशन, तो ये तो नहीं चलेगा क्योंकि बेसिक में बेसिक ऐड करते तो यही सेम कलर चेंज हमें दिखाई देगा। सेकंड ऑप्शन है लाइम, तो लाइम भी जो है वो बेसिक ही है, कैल्शियम ऑक्साइड, सो ये भी सेम ही कलर चेंज हमें मिलता है। बेसिक में बेसिक ऐड करेंगे हम लोग तो कलर चेंज रिवर्स नहीं होगा, तो लाइम भी वो सब्सटेंस नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दिया गया है हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो फ्रेंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ऑल्सो द बेस, हम लोग बेस में बेस ऐड करेंगे तो सेम कलर चेंज हमें वहाँ पे मिलेगा, तो कलर चेंज यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा बाय एडिंग दिस सब्सटेंस। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यस फ्रेंड ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम लोग इसको एक्सेस अमाउंट में बेस में ऐड करते हैं
तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा और हमें इसका रिवर्स कलर यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर डालते ही वो रेड हमें वहाँ पे शो होगा। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई देखो, रिविजन करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दिया गया था एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कहा गया था कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। इससे हमें ये समझ में आएगा कि गिवन सॉल्यूशन जो भी कोई होगा वो बेसिक नेचर का है। ओके, तो हमें उसका कलर चेंज जो है वो रिवर्स करना है, यानी कि ब्लू से रेड में उसको कलर चेंज अभी करना है। तो ब्लू में रेड में कन्वर्ट करना है, तो वो जो सॉल्यूशन है बेसिक से कन्वर्ट होना चाहिए एसिड में। तो ये कब कन्वर्ट होगा? जब हम लोग उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करेंगे तभी। तो गिवन फोर ऑप्शन में से हम लोगों ने देखा कि एसिड कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें पता चला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिवन है। ये अगर हम एक्सेस अमाउंट में इसमें डालते हैं तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा और रिवर्स कलर चेंज हमें मिलेगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू। ओके, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब भी प्रिपरेशन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, अगर ह्यूमिड डेज होते हैं, रेनी डेज अगर होते हैं, तो उस गैस को पास कर दिया जाता है सबसे पहले एक गार ट्यूब से, कि जिसमें भरा हुआ होता है कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें पूछा गया है कि इस प्रोसेस में फिर कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है। तो ऑप्शंस दिए गए हमें, इट एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मॉइस्चर द गैस, ऑप्शन नंबर सी इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, ऑप्शन नंबर डी एब्जॉर्ब क्लोरीन आयंस फ्रॉम द इवॉल्व गैस। तो सबसे पहले हमें इस कैल्शियम क्लोराइड के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, इट इज़ अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये जो गैस यहाँ पे बनती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जिसमें कि अभी ह्यूमिड डे की वजह से वाटर वेपर्स भी ऐड हो गए हैं, तो इसमें से इस वाटर वेपर को सेपरेट करने के लिए उस गैस को पास कर दिया जाता है इस कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब से, यानी कि ऐसी ट्यूब जिसमें कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। तो वो क्या करता है, इस एक्सेस ऑफ वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर देता है, जिसके वजह से हमें सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल सके। तो इस प्रोसेस में कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड का रोल ये है टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो इसी की वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है, इट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो हमें नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, तो उसमें से किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो फ्रेंड, द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वो एक स्ट्रक्चर में होते, मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से उसको एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है उस पर्टिकुलर सॉल्ट को, है ना। और जिस सॉल्ट में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट भी हम कहते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हमें यहाँ पे चाहिए। तो अभी किस में नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। ऑप्शंस क्या दिया गया है, सबसे पहले ब्लू विट्रियॉल, तो ब्लू विट्रियॉल यानी कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4.5H2O, यानी कि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसका फॉर्मूला है NaHCO3, इसमें किसी भी प्रकार का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। तो यस, ये तो ऑप्शन है, लेकिन रिमेनिंग ऑप्शन भी हम लोग पहले देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3.10H2O, यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट, उसका केमिकल नेम CaSO4.2H2O, यानी कि जो 4 कंपाउंड्स हमें यहाँ पे दिए गए थे उसमें से बेकिंग सोडा ही ऐसा है जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, वो अनहाइड्रस होता है ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। ओके,
तो हमें ये पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्ट है, क्यों उसके पीछे रीज़न हमें यहाँ पे पूछा गया है। और ऑप्शंस दिए गए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे जानना होगा कि सॉल्ट तो सबसे पहले कैसे बनता है। तो हमें सभी को पता है कि जब एसिड रिएक्ट विथ बेस तब उसके बाद में यहाँ पे बनता है सॉल्ट एंड वाटर, है ना। यानी कि सॉल्ट अगर बनना है तो एसिड शुड बी रिएक्टेड विथ बेस। तो भी यहाँ पे अगर ये जो एसिड है वो स्ट्रांग होता है और बेस भी जो है वो वीक होता है, फॉर एग्जांपल, है ना। तो दोनों में से जो स्ट्रांग होता है, एज सॉल्ट का नेचर भी वैसे होता है, ये आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना है। तो मीन्स दोनों में से अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो ये जो सॉल्ट है वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मीन्स वो एसिडिक होता है ना, द सॉल्ट विल बी एसिडिक। और दोनों में अगर सपोज एसिड वीक है और बेस यहाँ पे स्ट्रांग है, तो फिर ये जो सॉल्ट होता है उसका जो नेचर है वो बेसिक होता है, ये यहाँ पे समझना है। यानी कि दोनों में से जो स्ट्रांग होगा उसका नेचर उस सॉल्ट को मिलता है। एसिड स्ट्रांग होगा दोनों में से तो सॉल्ट एसिडिक नेचर शो करता है, दोनों में से अगर बेस स्ट्रांग है तो वो जो सॉल्ट है वो बेसिक नेचर शो करता है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है, तो हमें यहाँ पे सिंपली समझना चाहिए कि वो जो सॉल्ट बन रहा है जिस कंपाउंड मीन्स जो एसिड और बेस से, तो उसमें जो बेस होगा वो यहाँ पे स्ट्रांग होगा। तो फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि ये जो सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रांग बेस है, तो इसी की वजह से सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो बेसिक सॉल्ट यहाँ पे कहलाया जाता है। तो ऑप्शन का देखा जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चलेगा, न्यूट्रल हो जाएगा वो बेस। वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो यहाँ पे उस सॉल्ट का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, तो वो सॉल्ट का भी नेचर भी बेसिक होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। उसकी रिएक्शन अगर हमें समझनी होगी तो इस इक्वेशन से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो देखो, सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है दैट इज़ फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड दैट इज़ H2CO3 एंड बाय द रिएक्ट इट रिएक्ट्स विद द स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन फॉर्मेट में भी आप लोग इस एग्जाम्पल को समझ सकते हो कि देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड रिएक्ट हो रहे हैं और सोडियम कार्बोनेट बन रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों में जो बेस था, सॉरी, जो बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड वो स्ट्रॉन्ग है ना, और जो एसिड है वो वीक है। इसी की वजह से ये जो बनता है सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, तो इट हैव अ बेसिक